हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की कुकिंग आइडिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैक्रोनी सॉस चीज़ पास्ता। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। जब आप इसे खाएंगे ना, तो खाने के बाद बस यही निकलेगा, वाओ क्या पास्ता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बैम्बिनो का मैक्रोनी पास्ता लिया है। इसे 100 ग्राम के करीब हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब कोई गहरे बर्तन में पानी गर्म होने के लिए गैस पे रख देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप करेंगे, फिर पास्ता ऐड करेंगे। तो ऑयल इसलिए ड्रॉप करते हैं कि जब हम पास्ता बॉयल करेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं आपस में। तो मैक्रोनी पास्ता ऐड करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 2-3 मिनट के लिए ही इसे पकाएंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 2-3 मिनट हो गया, पास्ता हमारा सॉफ्ट हो गया। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 फाइन चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज को पिंक कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज पिंक कलर का हो गया, अब इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब अदरक को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 लहसुन ऐड करेंगे ग्रेट करके। तो लहसुन को ग्रेट करने के बाद इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस रहेगी, तभी इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें 1/2 कप टमाटो केचप ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ऑरिगैनो ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो ये चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा तीखी है। अब सॉस को अच्छे से 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम लो करेंगे, फिर मैक्रोनी पास्ता ऐड करेंगे। तो मैक्रोनी पास्ता ऐड करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए कंटिन्यू स्टर करेंगे। जब पास्ता अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें 1/2 कप मोजरेला चीज़ ऐड करेंगे। तो चीज़ ऐड करने के बाद पास्ता को 5-6 सेकेंड के लिए स्टर करेंगे। तो पास्ता में चीज़ अच्छे से मिक्स हो गया। अब गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे 1 प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्लेट में मैक्रोनी पास्ता ऐड करने के बाद इसे सॉस और चीज़ से गार्निश कर लेंगे। तो ये हमारा मैक्रोनी सॉस चीज़ पास्ता बनके रेडी हो गया। आप इसे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। तो आज मेरे मैक्रोनी सॉस चीज़ पास्ता की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना। और सच में अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।